लड़की भगा के ले गया, मेरे को झूठ बोल गया था इतने दिन से कि नहीं भगा के ले गया, मैं तो गाड़ी पे गया, मैं तो वहाँ गया और मेरे को छुटिया बना दिया कि तू आ जा घर, तो तू चौराहे पे मिलने आ मेरे से, ऐसा बोल दिया था। क्या नाम है आपके पति का? योगेश गहरवाल। गहरवाल कहाँ रहते हैं? जवान नगर। कितने समय पहले आपकी शादी हुई थी? 4 साल पहले। शादी में बच्चा अच्छे कुछ? 3 साल का बच्चा है। अच्छा, आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज उनने मेरे को फोन लगाया, उनने चौराहे को बुलाया, मैंने मना कर दिया, तो उनने फिर बोला कि मैं घर हूँ, तेरे घर कोई है तो नहीं? मैंने कहा कि घर नहीं है कोई भी, मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी थी बस, पापा ड्यूटी गए थे। मैंने कहा घर नहीं है कोई भी, तो वो आए, उनने बातचीत करी, फिर उनको छत पे ले गए, फिर उनने सीट डाल दिया मेरे ऊपर, मैं भग गई, फिर सबको बुलाया, मम्मी ने सबको आवाज लगाई, जब सब आया ले लेके दौड़े मर गए। अच्छा, बाटल में लेके आ गए, इसे टाइम लगा? ये मैंने नहीं देखा, पीछे से डाला मेरे। और भग गए? आपने इस मामले में पुलिस को सूचना करी? हाँ, हम सुबह गए थे पुलिस के, गुंडे भेज दिए थे हमारे पीछे। छोटे पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी तक? कुछ नहीं सुना उन्होंने, रिपोर्ट ही नहीं लिखी उन्होंने, रिपोर्ट भी नहीं लिखी। ये घटना कब की? आज की? अभी कितने बजे? ये आज की, अभी की। कितने बजे की बात है? ये टाइम 4:30 बजे। आपका पूरा नाम क्या है? दीपिका गहरवाल। आपके पति का? योगेश गहरवाल। आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। निवासी आपका है? यहीं के जवान में करते हैं। डियर का बावड़िया है? बावड़िया। क्या पूरा मामला क्या हुआ बताएं? अभी ये दीपिका पति योगेश को लेके आए थे बावड़िया के पास, उनके ऊपर एसिड फेंकने का बता रहे थे वो लोग, उसके कुछ घरेलू विवाद हुए हैं, उसके पति द्वारा एसिड फेंकने का घर वाले लेके आए थे, अभी अभी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। इंदौर रेफर करने जैसे कोई सुना? हाँ, अभी उपचार किया जा रहा है, अभी पेशेंट स्टेबल है, अभी देख। क्या उम्र होगी उस लड़की की? उम्र 21 वर्ष। अच्छा सर, क्या मतलब ज़्यादा चोट है क्या एसिड से? अभी चोट अभी एसिड में प्रारंभिक जो है उसके हिसाब से तो है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सीएम गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।